बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग ट्रेलर देखने जा रहे हैं जो कि एक बायोग्राफिकल मूवी है और वो एक म्यूजिशियन अमर सिंह चमकीला जी पर बनाई गई है। और मैं इस ट्रेलर को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसमें हमें नज़र आ रहे हैं दिलजीत दोसांझ। तो स्टारकास्ट की हम बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले बताते हैं कि इसको डायरेक्ट किया है इम्तियाज अली ने। और अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें उसमें भी इम्तियाज अली और साथ में मोहित चौधरी। और अब स्टारकास्ट की बात करें, स्टारकास्ट में दिलजीत दोसांझ है एज अमर सिंह चमकीला, परिणीति चोपड़ा है एज अमरजोत कौर, मौजम भी बहुत फेवरेट, और निशा बानो है और साथ में है राहुल मित्रा। तो चलिए देखते हैं ट्रेलर, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का फ्यूचर लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक और शेयर को फॉलो करें इनकी चैनल को, उसके अलावा लोग चैनल का लिंक शो का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक और शेयर को फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। छत्रपाचिया रंग द चमकीला, एल्विस ऑफ पंजाब, जो दुनिया भर में अपने गंदे और अश्लील गीतों के लिए जाना जाता है। और आपको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा क्यों। मैं बताता हूँ जी, मैं जराबे बनाता हूँ कारखाने में, जबकि दिन रात मेरे दिमाग में संगीत चल रहा होता है और मैं जराबे बना रहा हूँ। तो तू है कौन है? आज कुछ नहीं हूँ जी, पर कल हो जाएगा। हाँ, इश्क मिटाए हाय हाय, कौन गेटअप से करो, अमर सिंह चमकीला। मेरा नाम ही गलत बोल दिया, मैंने संदीला बोला था। ओ तो जाना है यार, कल को कौन तेरा नाम याद रखने वाला है, चल जा। तेरी माँ दी तलाशी रहनी नहीं, बापू साडा को हो गया। बात तो पता है मुझे कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, उन्हें किस चीज में मजा आता है, और वो मैं कर सकता हूँ। शादी को लड़की चाहिए होती थी ना, मतलब अखाड़ों में गाने के लिए। आपने कोई गीत सुना मेरा? सारे सुने। और अब वो हुआ, दोनों ने मिलकर बहुत से हल्के गाने गाए, जोड़ी हिट हो गई। आप जो कह रहे थे ना वो अब हुआ। वो तो मेरे मलंग था गरीबों के, वो संग मजलूम का मसीहा, उनके लोग से वो था झूठा से उसकी ही कटिया, झूठे जग से तू उसकी ही कटिया। तेरे के चुप के सुनेंगे, सुन सुन के हंसेंगे, हंस हंस के मरेंगे। सारे सारे दम की लगेसी और फिर रंग लीला पूछने में माने कोई ना। की कलाकार महान है, लेकिन तू अपना है चमकीले। दिक बहुत रहा है साला, ऐसी बातें लिखता है मर्दों के बारे में। जी रोकता क्यों नहीं उसे? मारा चमकीलिया, मारा। वार्निंग देने बुलाया मैंने तुझे। तू बहुत गंदे गाने गाता है चमकीला। ये बंदूक वाले का तो काम है गोली चलाना, तो ये चलाएंगे। हम गाने बजाने वाले, हमारा काम है गीत गाना, तुम गाएंगे। मुझे अपने आप को ना बड़े पर्दे पे देखने का बड़ा शौक है। पहले तो मैं हीरो ही बनना चाहता था। अच्छा, मैं भी। सारे पंजाबी यही चाहते हैं। भाई ट्रेलर देखकर जो है ना, एक चीज जो है वो तो साहब आजिया जो है वो पता चला कि जो अमर सिंह जी थे उन्हें जो है वो गाने गाने का जो है वो काफी ज्यादा शौक था, लेकिन वो किस तरह के गाने गा रहे थे ये तो जो है मुझे नहीं मालूम, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हुए थे अपने गानों की वजह से। हाँ, बट मैं भी इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट होता है और इस एक लग रहा होता है कि जैसे लेडी मतलब इंटरव्यू ले रही होती हैं, वैसे ही बात हो रही होती है, और उसमें वो ये मतलब बोलते हैं कि जिस तरह के गाने आप गाते हैं इट मीन्स, और बीच में कहीं कहीं पर ये चीज़ भी जिक्र किया कि औरतों के बारे में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि प्रॉपर वर्ड क्या यूज़ करेंगे, बट समहाउ जो मे बी अडल्ट सॉन्ग्स वो गाते हो सकता है। हाँ, मतलब ये भी हो सकता है, लेकिन ये कि जो हम लोगों ने ट्रेलर में सॉन्ग्स देखे हैं उसमें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा। लेकिन देखा जाए तो उनकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है वो दिखाई जा रही है, और एक चीज़ जो है ना वो बीच में जो दिखाई जा रही है कि वो वही चीज़ सुना रहे हैं जो पब्लिक जो है उस टाइम सुनना भी चाह रही है। बिल्कुल। तो अगर ये चीज़ भी देखा जाए तो आप कह सकते हैं पब्लिक का इंटरेस्ट जो था वो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा था। और अगर आप देखा जाए तो बीच में डिफरेंट कंट्रीज जैसे उन्होंने अमेरिका, बहरीन भी जो है बीच में वो दिखाई गई, उनके इंटरेस्टेड टूर्स हुए, बेस्ट सेलिंग जो है वो रहे। हाँ, exactly. तो अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा इस लिहाज से पॉपुलर थे, और 27 साल की एज में जो है उन्हें गन डाउन जो है वो किया गया। बिल्कुल। और साथ में जो उनकी पार्टनर थी अमरजोत, उनको भी साथ में गन डाउन किया गया। लेकिन ये कि मैं यहाँ पर भी दिलजीत दोसांझ की बात करना चाहूंगी, क्या कमाल के एक्टर हैं। आई मीन जो बिल्कुल उनकी यंग एज की लुक दिखाई गई है
वो तो मतलब वाकई में बहुत ही डिफरेंट वहां पर लग रहे हैं। मैं वहां पे कहूंगा जैसे वो लड़के होते ना, यहाँ पर भी इस तरह था कि आपको जो है नए नए जवान दाढ़ी उस तरह आ रही होती है, तो सेम वही चीज आपको इवन के वाइब्स मेकअप जो है ना बहुत अच्छा जो है वो किया गया कि वो सेम वाइब्स जो है वो आपको दी जा रही है। मतलब उनकी एज के जो डिफरेंट फेजेस है ना 27 इयर्स तक, मुझे लगता है उन सबको इस मूवी में दिखाया गया। बट अगेन एक चीज़ और मैं बोलूँगी, उनकी सिंगिंग मतलब वो तो है ही कमाल की, और जो पिच हमें हाई नोट्स सुनने को मिली है म्यूजिक कमाल का, तो मुझे बहुत मज़ा आया ये ट्रेलर देखने का। वैसे तो नो डाउट भाई उनकी सिंगिंग, आप उनके गाने सुने ना तो आपको लिटरली बहुत ज्यादा मजा आता है, नाचने का खुद ही मन, बिल्कुल खुद ही नाचने का मन करता है। लेकिन उसके साथ मैं परिणीति जी की भी बात करना चाहूंगा, वो भी जो है वो काफी ज्यादा जो अच्छी लग रही है। मेरा ख्याल है कि शादी के बाद उनकी पहली ये मूवी है जिसमें वो नजर आ रही है, तो अब क्योंकि नेटफ्लिक्स पे आनी है तो हमें तो जल्दी देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो है परिणीति जी का मेरे रोल को इतना ज्यादा बीच में जो है वो लग नहीं रहा, मुझे लगे थोड़ा ही रोल होगा उनका। हाँ मैं भी, और यहाँ पर मैं ये भी बात बोलना चाहूँगी कि बीच में ये चीज़ भी नजर आती है काफी सारे लोग जो हैं वो उनके अगेंस्ट भी हो जाते हैं, इवन घर तक थ्रेट करने आते हैं। बिल्कुल, और ऑन दी अदर साइड काफी ज्यादा लोग जो है वो आपको उनके हक में नजर भी आते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्मेंसेस जो है, क्योंकि ट्रेलर में अगर हम बात करना तो आपको जो है ना वो काफी ज्यादा जगहों पर काफी बड़े बड़े हॉल्स जिसे हम कहते हैं भाई वहां पर परफॉर्म करते भी जो है वो नजर आते हैं। बिल्कुल, अब मूवी आएगी तो आइडिया होगा कि भाई क्या स्टोरी है, क्योंकि अभी तक मुझे ये चीज क्लियर नहीं हुई कि उनका जो लाइक असैसिनेशन है वो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण था। और जो सॉन्ग्स हैं, क्योंकि जो सॉन्ग्स हम सुन रहे थे वो तो भाई नॉर्मल सॉन्ग्स ही थे, और लेकिन ये है कि फिर उसके बाद क्या क्या डिफरेंट फेजेस हमें देखने को मिलते हैं वो तो अभी हम मूवी देखेंगे तो पता चलेगा। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये मूवी, क्योंकि इम्तियाज़ अली की डायरेक्शन है और वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी मूवीज़ बनाई हैं, और उनकी मूवीज़ बनाने का स्टाइल मुझे बड़ा पसंद आता था, क्योंकि भाई पहली दफा हम लोग देखते थे फ्लैशबैक में जाके हम लोग मूवीज देखते थे ना, तो मुझे बड़ा मजा आता था। बिल्कुल, और जो है इस मूवी के लिए जो है हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 10 दिन बाद जो है ये मूवी जो है वो रिलीज होगी 12 अप्रैल को। सो आप जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ट्रेलर, और दिलजीत दोसांझ कैसे लगे, परिणीति कैसी लगी, और स्टोरी कैसी लग रही है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ज्यादा हमारे वीडियो लाइक करें।